फादर स्टीन स्वामी के मौत के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और वाकई में संदेशपद है। सवाल नंबर एक, अगर उन्हें एनआईए में गिरफ्तार किया था तो 7 महीने से एनआईए कहां थी, उनसे एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा गया। सवाल नंबर दो, अगर सभी को मालूम था कि उनकी तबीयत खराब हो रही है और वो खुद भी बोल रहे थे कि अगर प्रॉपर इलाज मुझे नहीं मिला तो मैं शायद नहीं बच पाऊंगा, तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया, और जेल में आयुर्वेद के डॉक्टर से इलाज कराने का क्या मतलब। एक और सवाल यह भी है कि जब उनकी सुनवाई होने वाली थी, तीसरी सुनवाई, उससे जस्ट 1 घंटे पहले उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। फादर स्टीन स्वामी का मौत एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसमें हर दल अपनी अपनी राय रख रहा है, राजनीतिक अखाड़े में उथल पुथल मच चुका है। जी हाँ, सरगर्मी तेज हो गई है, हालांकि कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन सवालों के जो संक्रमण है उनसे कब तक बचेंगे लोग। जी हाँ, सवाल ऐसे जो आपको जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात तो आपको यह जानना जरूरी है कि फादर स्टीन स्वामी कौन थे और उन्हें एनआईए में किस लिए, किस वजह से गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड के बाद मेडिकल में हुई लापरवाही की वजह से फादर स्टीन स्वामी की मौत हुई। हालांकि उन्होंने अपनी याचिका में जो बेल दायर की थी उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर मुझे अंतरिम जमानत नहीं दी गई तो मैं शायद नहीं बच पाऊंगा। सब कुछ जानने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि फादर स्टीन स्वामी कौन थे। फादर स्टीन स्वामी का जन्म 26 अप्रैल 1937 को तमिलनाडु के त्रिची में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और मां घर चलाती थी। सोशियोलॉजी में एमए करने के बाद उन्होंने बैंगलोर में इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में काम किया। इसके बाद वो झारखंड आ गए और झारखंड के आदिवासियों और वंचितों के लिए काम करने लगे। शुरुआती दौर में उन्होंने पादरी का काम किया। उसके बाद वो झारखंड के आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए आंदोलन में लग गए। फादर स्टीन स्वामी रांची के नामकुम में बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल भी चलाते हैं और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। उन्हें किस वजह से गिरफ्तार किया गया था यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र पुणे के भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को दलित समुदाय का एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का आयोजन एल्गार परिषद ने किया था। इसी कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़क गई और भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने बहुत तोड़फोड़ किया, दुकानें जला दी, मकाने में शीशे पत्थरबाजी, गाड़ियां जला दी गई, बहुत सारा चीज हुआ। इस भीड़ में, इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। गौर करने वाली बात है कि एनआईए ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने की वजह से गिरफ्तार किया था। जी हाँ, एनआईए का कहना है कि उनके भड़काऊ भाषण की वजह से ये भीड़ में हिंसा हो गई और लोग तोड़फोड़ करने लग गए। कहा यह भी जाता है कि फादर स्टीन स्वामी भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिन पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया था। आतंकवाद के साथ साथ उन पर यूएपीए के भी बहुत धाराएं लगाई गई थी। अब मौत तो उनकी हो चुकी है, वो जा चुके हैं, लेकिन उनके जो वकील हैं वो अभी भी उनकी लड़ाई को आगे लड़ेंगे, क्योंकि वो एक कैदी थे। जी हाँ, उन्हें एक गुनहगार के रूप में, आरोपी के रूप में रखा गया था, और जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता उनके वकीलों का कहना है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस केस से जुड़े हर चीज को हम दिखाएंगे। और जाने से पहले एक चीज, हमेशा की तरह आप जितना हमें प्यार देते हैं, जितना हमें सब्सक्राइब करते हैं, हम उतनी और तेजी से आपके समीप आ रहे हैं। देखते रहिएगा स्वदेश वाणी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।